पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भव्य स्वागत, आसमान में लिखा वेलकम मोदी वेलकम। पीएम मोदी की डिग्री मामले में फंसे केजरीवाल और संजय सिंह नहीं हुए कोर्ट में पेश, 7 जून को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा राज्य में शिक्षा का स्तर खराब। गुजरात में मस्जिद दरगाहों पर चला बुलडोजर, अब तक 800 मकान हुए ध्वस्त। वीके सक्सेना के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल पर रोक, दिल्ली के एलजी को गुजरात एससी ने दी राहत। 18 साल के होने पर वोटर लिस्ट में अपने आप ही जुड़ जाएंगे नाम, मोदी सरकार ला रही है बिल। अहमदाबाद में मुख्यालय में अज्ञात नंबरों से आए कई फोन कॉल, गुजराती भाषा में की गाली गलौज। राजकोट में हुआ दर्दनाक हादसा, नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबकर हुई मौत, इलाके में पसरा मातम। चलती ट्रेन में यात्री की हार्ट अटैक से मौत, फरीदकोट रेलवे स्टेशन पर उतारा शव, वैष्णो देवी के दर्शन कर जा रहा था गुजरात। दुबई से 2500 करोड़ के सट्टेबाजी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, अहमदाबाद के मधुपुरा में से पकड़े गए। गुजरात एटीएस ने किया अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 संदिग्ध बांग्लादेशी अहमदाबाद से गिरफ्तार। सूरत में रेप की एक और घटना, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। सुरेंद्रनगर में गौचर भूमि की खुदाई का विरोध, जमींदारों ने मामलादार से की अपील। अहमदाबाद में रूट पर ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा, बीआरटीएस बस की चपेट में आया युवक। अहमदाबाद में असामाजिक तत्वों का बोलबाला, 20 सड़क पर तलवार लेकर युवक का आता। सूरत में उधार लेने गए दंपत्ति पर जानलेवा हथियार से हमला, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोधरा में एपीएमसी चुनाव की तस्वीर साफ, 46 में से 25 नामांकन पत्र वापस, 31 मई को मतदान होगा। आज सोने और चांदी के दामों में आई गिरावट, सोना 56,050 रुपए तोला तो वही, चांदी 74,500 रुपए किलो। सूरत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़े, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुई ठगी, क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सूरत के सायन में नकली दवा के बाद पकड़ी गई नकली शराब की फैक्ट्री।